बच्चा का ले जो बच्चे ये भी पानी बहुत साफ बोला वहाँ से क्या रहा है, वहाँ से भी आ रहा है या अंदर से भी आ रहा है? वहाँ पिक्चर क्या रहा है फंड बजट ये नहीं चला ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಡೆವಲಪ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೈತಲ್ರಿ ಅಕ್ಕಿದ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಯಾರವ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 3 ಇಂಚ್ 4 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ ಆ ಪೈಪ್ ಅವಾಗಿನ ಹಾಕಿತ್ತು ಈಗ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಗಟಾರೆ ಮೊದಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಶೇಟ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೈತೆ ಬೋರ್ ಇದ್ದ ನೀರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಯುಜಿಟಿ अशोकनगर स्कूल के अंदर और यहाँ के सराउंडिंग एरिया के अंदर यूजीटी का प्रॉब्लम होने की वजह से पूरा स्कूल के अंदर पानी जा रहा था और आगे हम इधर देखिए बहुत हालत बहुत खराब है अशोकनगर की क्योंकि पाइप है 3 से 4 इंच का और इधर की कैपेसिटी ज़्यादा है तो अब रियाज में हमारे को बुला है मैं बाबा जन्मत वाले साहब सब कारपोरेटर्स मिल के इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे अब हम यहाँ से कारपोरेशन जा रहे हैं कमिश्नर साहब के साथ में डिस्कस करके अब जैसा रियाज में बोले 27 लाख रुपये का वो फंड वो डाले हैं लेकिन उसको काम में बहुत लेट होगा तब तक किसी भी एमरजेंसी वर्क करके किसी भी टेंडर किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को पकड़ के हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये 8 दिन में इनका काम स्कूल का हमें तीनों जने मिल के हमारे अपोजिशन लीडर मुजम्मिल डोनी साहब है रियाज भाई भी है हमारे को बुलाने के बाद में यहाँ देखने के बाद में आज बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम है और गली के लेडीज़ का भी प्रॉब्लम बहुत दिख रहा है यहाँ पे लेडीज़ भी आ गए हैं तो इंशाल्लाह एक 8 दिन में इमरजेंसी वर्क लेके हमें काम करके देंगे हम MLA साहब हमारे राजू शेठ साहब को भी हमें इंटीमेशन देंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इमरजेंसी काम है जरा जल्द से जल्द ऑफिसर को बोल के काम करके दो बोल के हमें एक रिक्वेस्ट करेंगे हम सब जने मिलकर हम जब कारपोरेटर एक दूसरे को मिलकर काम करने बोले तो एक दूसरे के दुख में हमें काम करने की स्तरी चॉइस है हर मोहल्ले के अंदर काम भी हमारी जरूरत पड़ेगी मुजम्मिल डोनी साहब की मेरी रियाज भाई की हमारी काम की जरूरत पड़ी तो हमारे को जो हमारे कारपोरेटर्स को दिखलाना है जो काम दिखलाना है वो हम सबको दिखलाएंगे हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारे जो कारपोरेटर्स को मालूम नहीं है हमारे पास कभी भी इमरजेंसी आएंगे तो 24 घंटे हमें उनके उस तरह काम करने के उस तरह तैयार है हम MLA साहब भी हमारे को डायरेक्शन दिए सो हमारे सचिव शर्मा जारकोड़ी भी डायरेक्शन दिए सो सबको लेकर काम करना बोल को तो उनको सबको लेकर हमें काम करेंगे ये मैं 2 बरस हुआ अभी नोड़ को उस दिन से लेकर अब तक UGD का कारपोरेशन कमिश्नर को भी बोल रहा हूँ अब हमारे MLA ने थे इससे पहले जो MLA थे उनको भी बुलाऊँ उसके बाद में कमिश्नर को बोला माड़ो नो तो कुछ नहीं है अब कॉलोनी में यहाँ इतना मैं ही बोल रहा हूँ मुझे अमिल डोनी बोल रहा है बाबा जन मत वाले बोल रहे हैं ये बात अलग चीज़ है बट हर गली के अंदर जाएंगे तो घर के अंदर UGD पूरा भारत है और हर एक के घर में UGD शूटिंग है और मैं देख के थक गया हूँ थकने के बाद में आज मेरे जहन में बात आई है कि उर्दू स्कूल के सामने बच्चे खेलने का काम ओरपुलो को स्कूल के नीचे से पानी आ रहा है तो आज को 8 दिन हुआ करने वाला आगो कर को जाता है वो प्रॉब्लम नहीं है बट ये जो सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है सॉल्व कैसा होता है तो उसमें फंड नहीं है आज हमारे पास कारपोरेशन में 24 महीने हुआ निवड़ को आगो में 24 महीने में 24 रुपये का काम नहीं हुआ अभी खाली बात बन रही है काउंसिल में जाते हैं बात करते हैं टंटा मारा मारी होती रहती है बोल वचन होता है मगर काम उचित में आने से अभी 27 लाख रुपए हमारे को 11 लाख रुपए एक 16 लाख रुपए सेंक्शन हुए सर पूरा UGD को सेंक्शन कर ले सर मैं इन फ्यूचर कमिश्नर साहब के साथ भी अभी बात करा कहाँ तो इलेक्शन के इसलिए में बिजी है वरना वो भी कमिश्नर साहब भी आपको काम अंजाम देते थे अब नेक्स्ट अभी स्टेप है हमारा आज रात में राजू शेठ साहब को बोलूँगा उसके बाद में सतीश सरकार को बोलूँगा PWD भी फंड है MLA का भी फंड है और हमारे अशोकनगर का जहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोले तो इससे पहले शेठ MLA थे वो सब हमारे यहाँ काम कर चुके हैं अब काम जो मेरा बड़ा काम है UGD का है UGD का काम करें तो अशोकनगर में पानी ड्रेनेज पानी रोड गटर ये तो काम है ही नहीं सब मुकम्मल पूरा अच्छा है अशोकनगर बट UGD है क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ हमारे कमिश्नर साहब
एमएलए साहब मिनिस्टर साहब मिल को कर को दे तो बहुत अच्छा होगा, बड़ी मेहरबानी होंगे। जय हिंद जय का। साफ करें जस्ट साफ कर।